आज हम लोग बीजेडी कार्यालय में, अब बीजेडी के अध्यक्ष संबलपुर के सिद्धार्थ बाबू हैं और कई उनके नेतागण भी आ चुके हैं, भुवनेश्वर से आए दानी बाबू। तो सर अपन नाटक, ठीक है, और नाटक करो सर। शैलेश दानी जी सर, काउंसिल मेंबर जी सर। सर आपन जेन ने टिके होल्ट कप करा होचे, मुझे आमे जा अनुभव करछु सोल अपन बीजेडी लागि लड़सन। आज जेन रक्तदान शिविर करा जउछे ऊपर कहबे, सर्वप्रथमे ये अगस्त क्रांति दिवस रे उड़ीसा वासी को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। पराधीन भारत वर्ष रे जो संग्रामी माने तंगर देहत्याग करितिले एवं ए जाति प्रति माटी प्रति तंगर जीवन को उत्सर्ग करितिले, तंका पई अगस्त क्रांति दिवस आज ठू आरंभ करा ही थिला। एवं आज अगस्त क्रांति दिवस रे अमर माननीय मुख्यमंत्री बिजू जनता दल रो एक नूतन संगठन मो परिवार, जार उद्देश्य है प्रति परिवार रो ये होची मो परिवार गोटे सदस्य कहीं निज को एका मन करे महान उद्देश्य रे अमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ए मो परिवार संगठन गठन करा जाई। या अर्थ है आपण मानकर परिवार रे जेकोसी भी असुविधा रो आपण एनआरआई होती भारत बाहर रोचान आपणकर दैनंदिन जीवन में समस्या सृष्टि होपण स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि होठ पढ़ समस्या सृष्टि हो माइग्रेंट लेबर किसी असुविधा अच्छी पर्यावरण भी किसी आपणकर असुविधा अच्छी एनवायरमेंट उपरे सब क्षेत्र में मो परिवार आपण परिवार सह सामने छिड़ा हेबो एवं आपण परिवार सुरक्षा तार परम धर्म पालन करिबो। मो परिवार अंतर्भुक्त जीवन बिंदु मध्य एक स्वतंत्र कार्यक्रम सृष्टि करा जाई जो थे कि आज अगस्त क्रांति दिवस टू ओडिशावासी उद्देश्य रे बिजू जनता दल मो परिवार रक्तदान शिविर आरंभ करा जाई एवं एटा अगस्त 9 रु अगस्त 15 तारीख पर्यंत हबो। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आज हमारे सामने बीजेडी अध्यक्ष सिद्धार्थ दास जी है, वो शुरू से एक्टिव थे, बचपन से ही सामाजिक काम में करते थे और उन्होंने आज संबलपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने पहला कार्यक्रम चालू करें। सर जो आज जो रक्त जो स्टार्ट हुआ है सर, इसके बारे में 15 तारीख तक आप कितना टारगेट किया और कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? देखिए एक चीज़ जो है, बीजू जनता दल हमेशा लोगों के साथ में है, उड़ीसा लोगों की ताकत बीजू जनता दल है। तो हम लोग ये पहला से जब कोविड महामारी चालू हुआ, पड़ा मोहल्ला में घूम के राशन से लेके सुरक्षा उपकरण दे के सब करके हम लोगों के साथ जड़े हुए थे। अभी कोविड तो चलते रहेगा, जिंदगी जीविका भी चलते रहेगा। ये स्थिति में हम लोग बीजेडी तरफ से हर कोई काम किए हैं। उड़ीसा में 4.5 करोड़ उड़ीसावासी हैं, उसमें उड़िया भी हैं, प्रवासी उड़िया भी हैं, वो उड़ीसा आके बाहर के राज्य का बैठे हुए लोगों भी है। 4.5 करोड़ जो उड़ीसावासी हैं उनकी नेता श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दल की नेता, उनके निर्देश, उनके उत्साह के हिसाब में हम उड़ीसा मो परिवार गठन किए हैं। उसके अंदर हम लोग पर्यावरण से, स्वास्थ्य समस्या से, प्रवासी लोगों की तकलीफ़ से, बूढ़ा बूढ़ी जो हो गए उनको समस्या से ले कर सब समस्या का लिए हम लोग मुहिम जुड़ेंगे। और उसके लिए उसका जो मुख्य अंश है, जो खून की अभाव होता है मरीजों का, उसको दूर करने के लिए जीवन बिंदु कार्यक्रम हुआ है। तो ये जीवन बिंदु कार्यक्रम के लिए पहला अगस्त क्रांति दिवस, अगस्त 9 जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उसी दिन से खून की अभाव उड़ीसा में नहीं रहेगा वो मुहिम ले कर हम लोग चालू किए हैं। अगस्त 9 से स्वाधीनता दिवस अगस्त 15 तक हम लोग देखते हैं क्या आता है। आज हम लोग टारगेट रखे थे 30-35 करने के लिए, शटडाउन है संबलपुर में, लेकिन अब तक तो 50 आसपास होने लग गए हैं खून देने के लिए। तो ये हर दिन चलेगा 15 तारीख तक। टोटल टारगेट कितने के एरिया में? मैं अनुरोध करता हूँ, राजनीति परिचय आदर्श के बाहर भी जो उड़ीसावासी को, उड़ीसा को श्रद्धा करता है, प्रेम करता है और उड़ीसावासी को जीवन को इज्जत देता है, मानविक दृष्टिकोण से आके ये जीवन बिंदु अभियान में शामिल हुई है, हम उनको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने देखा दाने बाबू, सिद्धार्थ बाबू ने एक ही आह्वान किया, आप जो भी हैं रक्तदान में आइए और हमको हेल्प कीजिए। और नवीन बाबू का नाम जो है भारत के पूरे भारत में भी चल रहा है, उड़ीसा में तो एक नंबर है और भारत में भी एक नंबर है। वो हर क्षेत्र में आगे रहते हैं नवीन बाबू और उनके कार्यकर्ता है सब आगे रहते हैं। सब चाहते हैं कि नवीन बाबू का नाम ऊँचा रहे, जब तक उड़ीसा में है तो नवीन बाबू हमेशा आगे रहें। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। फोटो उठा। Bye, bye, bye.